तुम्हारी बहन को जमशेद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये गुनाह है? नहीं तो मोहब्बत के दावे करते थे ना मुझसे, भूल गए? दूसरी शादी गुनाह नहीं होती, हम उसे गुनाहगार बना दिया। साहब इनको थाने लेके चलते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे कैसे नहीं जाओगे, उठा के डालो इसको गाड़ी के अंदर, चलो छोरी चल गाड़ी में। अंदलाक की कसम ऐसी कोई बात नहीं है सर। खुदा का वास्ता क्यों गलत सोचती हूँ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में प्लान बन गया, हमारा बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं था। और रही बात अपनी क्या नाम है एमन की, तो अगर उसका दिल दुखा है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। तभी भाई की परेशानी समझ नहीं सकती, तो एमन को भी समझाओ। आज वो लोग वापस आ रहे हैं, सब लोग साथ में खाना खाएंगे, बस अब कोई शिकायत ना सुनूं मैं, समझ गई? नहीं नहीं भाई, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आपकी क्या गलती, किसे ले जा रहा है किसे नहीं, ये सब आप थोड़ी ना देखेंगे। अच्छा चलो छोड़ो अब सब कुछ, हम अगली बार जो प्लान बनाएंगे तो उसमें सब मिल के चलेंगे, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक? अब हंस दो बस। बस अब रोना धोना बंद करो। जी आओ, जरा मेरा एक कुर्ता निकाल दो, बैठो चलो। ये देखो माँ, आपने एक माफी का लफ्ज एक लाख की बहू के मुंह से। अरे जहीर ने तो माफी मांग ली ना, तो उसके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें बड़े भाई से माफी मांगा किस तरह से। अम्मा मैं तो वैसे शर्म के मारे पानी पानी हो रही हूँ, एक तो समीना भाभी को उनके औकात याद दिलाना चाहती थी। मैं बता रही हूँ ये सब आपकी बहुओं का प्लान है, चलती है मेरी अमन से, सब बच्चों में सबसे ज्यादा खूबसूरत काबिल और जहीन जो है वो। लेकिन ये बात इतनी आसानी से मेरे दिल से नहीं उतरेगी अम्मा, आ जाने दो सबको। खबरदार खबरदार जो आएंगे तुमने जहीर से सिलसिले में कोई भी बात की होगी, समझ गई ना? कितना गंदा नाश्ता है ना। फाइव स्टार होटल में ना यही नाश्ता मिलेगा, वरना चलते हैं उसी ढाबे पे। नहीं बेब, मुझे नहीं जाना उस होटल में वापस। अरे जल्दी करें, निकले इस अजायब घर से। भाई साहब तो इतना गुस्से हुए हैं ना सुन के, सब कुछ ऐसी क्लास ली है ना ऐसे चौकी के, पता चलेगा। तो मैं भी सुना था खरी खरी, मुझे तो किसी ने यहाँ बैठा हुआ। अरे भाई फोन कर देते मुझे यार, खरी खरी सुना था। बल्कि मैं तो कहता हूँ वापसी पे रुकेंगे उधर, चमाटे कराऊंगा दो चार भाई। बस करे रहने दे। फाखिर बेटा तुम्हारा दोस्त आया था रात को, शायद गाड़ी में एनी का फोन रह गया था, वही वापस करने आया था। शुक्र है कि वो बच्चा आ गया, वरना पता नहीं इन बच्चों को कितना तंग करती पुलिस। सही बात है। सलमान अच्छा बैग चेक करें ना, कोई चीज ना रह गई, निकल ना गई हो, जगह तो देख। देखो बैग उठवाओ उससे एक। जल्दी करें, क्या जरूरत आ रही थी झूठ बोलने की, बताते थे आपका क्लास फेलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, शहर से इतनी दूर मेरा क्लास फेलो आया हुआ। वो को तो कोई वजह मिल जाएगी बात का बतंगड़ बनाने की, फाकर प्लीज आन समझो। आता है तो देख। कहाँ रह गए सलमान? सलमान कहाँ रह जाते हो बेटा तुम, क्या ये बैग हमारा है? नहीं मैं वाकई फॉलो तो नहीं करा। नहीं कह रहे हो तुम, अच्छा क्या पता तो मुझे तुमने इल्जाम लगाए थे मुझ पे है, आने वाले टाइम पे है। पप्पो एक मिनट रुक जाओ। आखिर प्लीज हाँ, तुम्हारा आमना के साथ फिर भी वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी छोटी सी भूल पर ना सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे सर प्लीज। हाँ फाखिर बेटा क्या कह रहे थे तुम? वो हमजा मेरा दोस्त बेचारा कितना अच्छा है ना, इतने मुश्किल वक्त में हमारे गांव आ गया। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, शुक्र है कि वो बच्चा आ गया, भला बच्चा है बहुत। घर बुलाना, भाई साहब बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल घर पे बुलाते हैं, क्या कहती हो? देखो अल्लाह ताला की कुदरत, कैसे किसी को भेज देते हैं मदद के लिए। चलो बच्चों जल्दी करो और सब बाथरूम इस्तेमाल कर लेना, निकले इस अजायब घर से, चलो जल्दी आ जाओ। ये ना उधार है तुम पे बेटा, अब याद रखना इसको, अगली बार जाम लगाते। ठीक है चलें हम, आ जाओ। चलो भाई चलो जल्दी करो। अरे आप तो उठ जाएं, कमर लेके बैठ गए। अरे उठ रहा हूँ ना, बुलाओ इसको, बोलो सामान रखे उधर सारे, जान उठा ना यार सामान, मैं उठाऊंगा क्या, हालत खराब हो रही है। बच्चों जिसने बाथरूम यूज करना है वो कर ले। ये भी ले, ये भी पकड़, ये सही है बंद है, बस उठा ले। चलो बेटा जल्दी, ड्राइवर की भी आंखों में पिने लगा के खोल के बैठूंगा मैं, पता नहीं
क्या करेगा? बिल्कुल, चलो बच्चों, चलो 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 इस अजायब घर से निकलो जल्दी, पता नहीं बाबा आदम के जमाने का। अरे शुक्र है, मैंने ली है उसे चेस की क्लास। आइंदा आइंदा निका नामा साथ लिंक घूमते रहेंगे हम लोग, कितने ऐसे चौकी खबर होंगे बाबा। अरे ये देखा था, देखा कि सब बदतमीजी से जवाब देता है आगे से। क्या कुछ हो गया इसे? अरे वो भी तो साथ गई थी ना, वो तो नहीं बदतमीजी कर रहे, इसलिए साथ भेजा था कि कम से कम तमीजी सीख ले उससे। अच्छा बस अब उसको डांटिएगा मत। बड़े अबू वापस अब कुछ फाखिर ने ही हैंडल किया था, खाने की बात से एम्बैरस है वो, इसलिए आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन उसने ही हम सबका ख्याल रखा था। सारा ट्रिप खराब हो गया। देख क्या छू, अब बस सादा गुस्से में। अच्छा ठीक है जाओ तुम। आओ फराज आ जाओ। मैंने कहा था ना मुर्गे का भागना अच्छा शगुन नहीं होता। सही कह रही है अम्मा। खैर और कुछ लोगों की नजर भी अच्छी नहीं है। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफर? क्या सफर, पीटी करके आ गए? गलत दिए से जाओगे तो ऐसा ही होगा। ज्यादा बातें बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिन पे गुस्सा है ना उन पे निकालो। अपनी भाभियों को बुलाओ, उनसे पूछो। भाभी से तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक फोन करना चाहिए था? कितनी अपसेट है मेरी एमन, सब चले गए सिवाय उसके। हम पे डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूछो अम्मा से, पूछो। बोला था ना मैंने, अब अगर मेजबानों के दिल ही तंग पड़ गए तो हम क्या करें? भाई की तबीयत ठीक ना होती ना तो अच्छे से पूछती मैं। और कितना पूछोगी, पूछ तो लिया। अम्मा मैंने क्या कहा है अभी? अभी कहा नहीं है इन्होंने। जानती हूँ मैं, ये सब कुछ ना भाभी का किया था। आने दे वक्त, मैं भी दोनों से बदला लूंगी, और इस वक्त आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी। इतनी अपसेट है मेरी एम, रो रो के बुरा हाल है उसका। अच्छा बस चुप हो जाओ, बहुत सर में दर्द हो रहा है, इतना रुल रुल के आए हैं। अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम सलाम। अम्मा हैं? वाई सास। अम्मा तो घर पे हैं, लेकिन आयशा आपी भी आई हुई है। आयशा आपी, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप अभी चली जाएं, बाद में आ जाइएगा, मुझे मिलना चाहिए इससे। हाँ मुझे मिलना चाहिए, चलो समझा करो, चलो चलो। आइला तुम यहाँ क्या कर रही हो? शवो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के घर तक आ गई? अम्मा निकाले इसे यहाँ से। जमशेद सुना बहन क्या कह रही है, उसे कहो ही चली जाए यहाँ से। राहिला बाबा इस वक्त आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, आप बाद में आ जाइएगा प्लीज़। शमशेद भाई एक मिनट। आयशा मैं
मैं लू की शादी के बाद से तुमसे मिलना चाह रही थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई मुलाकात करने की। हिम्मत? हिम्मत से तुम दोनों बहनों में कोई कमी नहीं। अच्छा रहने दो ना, हम लोगों के मसलों की वजह से इन लोगों को बीच में मत घसीटो। मेरी एक बहन बहुत अच्छी है, उसका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जमशेद भाई से प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है, अच्छी अच्छी नसीब लेकर आएगी इस घर में। और क्या पता कि इन लोगों की शादी हम लोगों के बीच की तल्खियों को कम करने की वजह बन जाए। शादी तो तमाम से हो नहीं सकी, तो सोचा कुछ कुछ तोहफे ले आऊं सबके लिए। सब बस अमन चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर खराब ना। उससे हम लोगों के इख्तिलाफात का क्या ताल्लुक है? वो जमशेद भाई के साथ अच्छी है, उनकी इज्जत करती है, उनसे प्यार करती है, उनके लिए बख्तों वाली है। हमारी जमीने में मत घसीटो यार उसको। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती। अमन चाहती हो? एक चीज है जिससे मेरे और तुम्हारे बीच में अमन हो सकता है। छोड़ दो अभी को। जब ये कर सको तब आकर मुझसे बात करना। चलती बना से ले जाओ अपने तोहफे। निकालो उसको। निकलो बीबी यहाँ से, चलो मुंह उठाए चली आइए। जाओ बीबी यहाँ से। हरियम हिम्मत के वो याद करके चल के मैं फेंक रहा हूँ माँ। मैं आबा बैठे, मैं पानी जा रहा हूँ। याद आ गई, मत कैसे हुई उसकी? जरा शर्म में आती इन लोगों को। हद हो गई। क्या हो गया भाई? दिखाती हूँ आपको भाई, मैं ये देखे मुझे तस्वीरें भेज रहे हैं अपनी। सायका पापा को जरा शर्म नहीं आती। जाने भी दो यार, आप तो हमेशा यही कहना कभी मेरी साइड नहीं लेना। इस पे साइड लेने की क्या बात है? जो तो भाई साहब को लेके फिक्र हो रही, इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और तुम उन्हें इन बातों से अब परेशान करोगी। अरे तो एक दो बंदों से कौन सा खर्चा बढ़ जाता? इतना कहा मैंने उनसे कि इतना बुरा दिल हुआ है मन का। मेरा दिल इन लोगों की वजह से क्यों दुखेगा? आई डोंट केयर, मैं तो खुद नहीं जाना चाहती थी, मुझसे नहीं होता वो सब बर्दाश्त। ऐसे नहीं कहते, कजन है तुम्हारे। प्लीज पापा, उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि मैं उनकी कजन हूँ। अपना ही ग्रुप बना के रखते हैं। सुना सुना आपने? देखो वो एक ही घर में रहते हैं इसलिए थोड़े ज्यादा क्लोज, लेकिन तुमसे भी तो सब प्यार करते हैं ना। रहने दे, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कितना फर्क किया जाता है उस घर में इसके साथ। अच्छा अम्मी, मुझे पढ़ाई में बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ट्यूशन की जरूरत है। तो उसमें टेंशन की क्या बात है, मैं कर दूंगा। नहीं पापा, आप बिजी रहते हैं, आप नहीं पढ़ा पाएंगे ठीक से, मुझे प्रॉपर ट्यूशन चाहिए मैथ में। तो एनी के पास चली जाओ, वो हेल्प कर देगी। नहीं पापा, छोटी क्लासेस तक ठीक था, अब नहीं। रहने दे, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, वैसे भी उस घर में हमें खुद से कमतर ही समझा जाता है। तुम ऐसा करो, ढूंढ लोगो अच्छा सा ट्यूटर, हम देख लेंगे। जरूरत है इसे? ठीक है भाई, तुम्हारी ही मर्जी है। भेजी जा रही तस्वीरें मुझे।
कर ऐलान छोटी थी भाई। एनी, एनी का क्या हुआ? वो तो बहुत परेशान हो गई होगी उस सिचुएशन में। बेचारी इतनी परेशान हो गई थी, उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया। मैं ही बदकिस्मत हूँ, इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी वहाँ पर, तो मैं क्या बताऊँ। यार मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो मैं हंस रही हूँ। Obviously funny बात है, I'm really sorry, but look at the situation. तुम अपनी बीवी के साथ बाहर थे और तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई। Just my luck, you can say. मैं कुछ भी यार। क्या देखे जा रहे हो मुझे? हाँ? अच्छी हो यार तू। किसी भी सिचुएशन में मुझे हंसा सकती हो। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, तुम दो मिनट में जो है उसको दूर कर देती। Thanks. तुम ये शुक्र करो कि उस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, क्योंकि मैं तो हंस हंस के पागल हो जाती वहीं पर। काश तो होती तो मैं पता लगता हम पे क्या गुजरी हुए यहाँ पर। यार किरण, थैंक यू सो मच। ना तुम मुझे जबरदस्ती बाहर भेजती, ना मैं एनी से मिलता, और ना ही मैं उसकी मदद करके उसकी नजर में हीरो बनता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें उससे दूर होने के लिए वहां भेजा था, ताकि तुम उसे भूल सको। तुम्हें वहां भी एनी मिल गई। इसी को तो राह से राह मिलना कहते हैं। शायद जमाना हमें दूर करना चाहता था, लेकिन किस्मत में तो हमारा मिलना ही लिखा था। बस कर दो हमजा, तुम बस कर दो, अपने इन ख्यालों से ना बाहर आ जाओ और हकीकत को समझो। खबरदार अगर किसी शादीशुदा लड़की के बारे में सोचा भी तो। ख्वाबों पर किसका बस चलता है? बस तो चलता है। पता है तुम्हारे अब्बू का फोन आया था, क्या कह रहे थे? हमजा को वापस घर भेज दो छुट्टियों में, यहाँ रहोगे तो बेकार में खर्चा पड़ता रहेगा ना। बात तो सही है यार, पहले स्कूल था, किसी के असाइनमेंट्स बना लेता था, किसी को ट्यूशन पढ़ा देता था, तो खर्चे निकल आते थे। लेकिन जिस दिन से स्कूल बंद हुआ है ना, बिल्कुल जेब खाली रहने लग गई है। हाँ तो ठीक है, बस वापस जाओ घर, जब स्कूल खोलेंगे तभी आना, ठीक है? यार किरण सुनो ना यार, प्लीज मुझे नहीं जाना ना वापस, कुछ करो यार तुम इसका। मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज कुछ करो, मैंने नहीं जाना वापस यार, तुम समझो। अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ। एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर कुछ सोचते हैं, और प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना अभी वापस। ठीक है। हाँ मैं शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर आप निकम है, निका कोई मजाक नहीं होता है। सी निका की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार, चीजें मैं ठीक करूं और क्या ठीक करोगे तुम? हाँ शादी से पहले तो तुम कुछ ठीक नहीं कर पाए, आप क्या तुम ठीक करोगे? तुम चाहते क्या हो कि मैं इसके साथ भाग जाऊं, हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दूं मैं? अब देखें भाई साहब, ये तो हो गया पिछला हिसाब, नए हिसाब में भी यही मसला है। जितनी शिपमेंट्स आ रही हैं उसमें हम बिला वजह बीच के ब्रोकर्स को और वेंडर्स को पैसे दे रहे हैं, जब हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं तो क्यों ना करें? प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 100% होगा, आप देख लें। ये सारा पैसा बिला वजह हम जाया कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से तो आप, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ऐसा ही भाई साहब। ये जी भाई साहब, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ हाँ हाँ, अभी वो नई शिपमेंट वाली मीटिंग थी कल, और तुम गई थे वहाँ? वो भाई साहब मैंने इलियास साहब को वहाँ भेज दिया था, हमारी लाहौर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, मैं उधर गया हुआ था। अरे मैंने तुमसे कहा था कि खुद संभालना, इस एक डील से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी भाई साहब मैंने उनको प्रॉपर ब्रीफ कर दिया था इलियास साहब को। और लाहौर से तो तुम कब के आ गए हुए, लेकिन ना ऑफिस में नज़र आते हो ना घर में। सुना है आयशा के भाई की शादी तुम्हारी साली से हो गई है? जी जी हाँ भाई साहब, वो अभी, मगर भाई साहब मैं ऑफिस में ही होता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो ना, ये फराज कल से ऑफिस जाएंगे,
इस काम को ये तुम्हारे साथ मिलकर संभालेंगे। फराज भाई साहब, मैं मैनेज कर लूंगा। आप क्या मैनेज कर लोगे तुम? देखो, मैं किसी किस्म की जो चूक है ना, वो अफोर्ड नहीं करता इस काम में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर के लोग पर्सनली इन्वॉल्व हो, लेकिन तुम तो पर्सनली कहीं और ही इन्वॉल्व। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चलो बस रहने। भाई साहब, आप 11 बजे सर पर सवार कर रहे हैं, हम संभाल लेंगे ना दोनों। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप आराम करें, अभी इसको भी रहने दें। आओ भाई, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। अरे आओ ना भाई जी। ठीक है भाई साहब, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर लेता हूँ। हाँ समझ। Oxygen is the most abundant element on Earth. It occurs in nature, both in the free state as well as in combined state. In the free state, oxygen. ये किसकी कॉल है? हेलो, कौन बात कर रहा है? जी, आपने मुझे पहचाना? जी नहीं, कौन बात कर रहा है? जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ। हमजा? क्या अभी भी नहीं पहचाना? नहीं नहीं, पहचान लिया मैंने। आह शुक्र, मुझे तो लगा था कि आप अपना काम निकलवाने के बाद भूल ही गई हैं। ऐसी बात नहीं है, तुमने पैसों के लिए कॉल किया ना? फाखिर उस वक्त मैं पैसे दे रहा था और तुमने पैसे लिए नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं फाखिर को कहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दे। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पैसे लेने के लिए फोन नहीं किया, मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। तो फिर मैंने इसलिए फोन किया था कि आप खैरियत से घर पहुंच गई हैं कि नहीं। किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते ही नहीं हैं, क्या कीजिए? क्या हुआ, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, वो स्कूल की दोस्त थी। मुझे ना प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। स्कूल की दोस्त तो रहा नुन नुन वो से फिर पता ना कहां थी। क्या हुआ आलिया, बताओ ना, नाराज हो क्या? मुझसे तुम्हारी नाराजगी नहीं देखी जाती। मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी जमशेद, मेरा दिल बहुत दुखी है। अच्छा अच्छा, रुको तो। अच्छा बताओ ना, फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा दुख कुछ कम हो जाए? और कितनी बार मुझे जलील किया जाएगा इस घर में, कितनी बार मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती की जाएगी? आपने जो कहा मैंने माना, लेकिन फिर भी आलिया, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, तुम ठीक कह रही हो। और राहिला आपा, उनका क्या गुनाह है? वो तो बेचारी फ्लैट पर अकेली पड़ी रहती है। हबीब भाई तो किराया तक नहीं देते उनको, कभी कभी चक्कर लगाते हैं, कभी नहीं। ये उनका जाती मामला है ना, हमें इसकी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो वो उनका जाती मामला हो गया, ठीक है। लेकिन वो भी तो हमसे जुड़े हैं ना। आप मुझे खुद बताएं, क्या दो शादियां जायज नहीं है? अल्लाह ताला ने भी कहा है कि दोनों बीवियों को बराबर का हक दो, लेकिन मेरी बहन को वो हक नहीं मिला है जैसे आयशा आपा को मिला है। देखिए जमशेद, मैं जानती हूँ कि आयशा आपा आपकी बहन है, लेकिन अब राहिला आपा भी आपके कुछ लगते हैं। वो मेरी इकलौती बहन है, मेरी पूरी फैमिली है। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं। आज भी वो दिल पे पत्थर रखे सिर्फ हमारी खातिर आई थी आपकी बहन से बात करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? जमशेद, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे आपा को हम दिलाएंगे। मैं
मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि पुरानी चीजें सब भूल जाएं और आगे बढ़ें, और राहिला आपा को उनका जायज हक लेने दें। शायद तुम ये कह रही हो। हेलो, जा बात कर। हाँ, मुझे कॉल किया तो मैं ही बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं फाखर बात कर रहा हूँ। फाखर, तुम्हारे पास मेरा नंबर? वो एक दोस्त से लिया। अच्छा अच्छा, मेरी बात एक गौर से सुनो। तुम भी तो पहले ही समझ गई थी, इस बार सायका जरूर किसी ना किसी मकसद से आई। तो पहले उसने घर में हिस्सा मांग लिया और अब फराज को घुसाने की कोशिश कर रही है कारोबार में। पहली बार इस तरह से भाई साहब ने मुझ पर सवाल उठाए। जरूर इन्होंने ही कान भरे होंगे भाई साहब के। बहुत चालाकी से ना हमें काटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तुम होशियार है ना, फराज भाई को ऑफिस में कदम मत जमाने देना। तो मैं जमाने नहीं दूंगा। तुम जरा पता करो सायका का प्लान क्या है, ये चाहती क्या है? मुझसे कोई पूछता ही कहाँ है, कुछ यहाँ बताता है ना, फोन करते हैं ना बुलाते हैं। फोन करने का इंतजार नहीं करना, ऐसा ना हो सब कुछ हाथ से निकल जाए। फराज की नीयत पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सायका में कुछ कम नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। पता तो लगाना पड़ेगा, पता चले कि हम यहाँ बैठे हाथ ही मलते रह जाए। पता करना पड़ेगा ये आखिर चाहती क्या है। क्या बात है, अच्छी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए वहाँ पे। वैसे सरप्राइज तो बन गया। फाखर, नाइस प्लेस, हाँ आई लाइक इट। ये था ना तुम्हारा सरप्राइज? ये थोड़ी था तो सरप्राइज। आ गया तुम्हारा सरप्राइज। हमजा, हमजा यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं था ना, इसलिए तो उसको बुलाया है। अभी तुम सुनो उससे, बोलो ये क्या बोलेगा। पसंद करता है ये भी तुम्हें? देखो मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ ना, मैं डिप्रेशन हूँ ना, मुझे फर्क पड़ रहा है, पॉसेसिव भी नहीं हूँ मैं यार। चिल करो, तुम दोनों पसंद करते हो ना एक दूसरे को, तुम तो करती हो, तुम करते हो, ये भी करता तो मैं पसंद, शादी कर लूँ। सही है, आसान हल है तुम दोनों के लिए। घर वालों का क्या है यार, थोड़े दिन चकचक करेंगे, थोड़े दिन नजाब बनाएंगे, हंगामे करेंगे, तीन दिन बाद सेट हो जाएंगे। मैं मना लूँगा, तुमने फिक्र ही नहीं करनी इस चीज़ की, तैयारियाँ करो बस। क्यों मारा यार,
तुम पागल हो गए हो फाखर, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम भी यही चाहती थी ना यार, तुम बड़ा खुश हो शादी से। हाँ हाँ मैं शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन फाखर हम निका में, इस निका कोई मजाक नहीं होता है। इसी निका की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार, चीजें मैं ठीक करूँ और क्या ठीक करोगे तुम? हाँ शादी से पहले तो तुम कुछ ठीक नहीं कर पाए, आप क्या तुम ठीक करोगे? तुम चाहते क्या होगी मैं इसके साथ भाग जाओ, हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दूं मैं। और तुम दोनों कौन होते हो जो मेरी जिंदगी के फैसले करोगे मुझसे पूछे बगैर? तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम खुश हो शादी से? नहीं फाकिर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, जरा सा भी खुश नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजनू को मेरे सामने लाके खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। मुझे कभी कभार लगता है कि तुम ना बदल रहे हो, फिर तुम्हारी ऐसी ये हरकतें जो साबित करते हैं कि तुम भाई इमैच्योर और सेल्फिश फाकिर हो जो तुम पहले थे। तुम्हें जो करना है ना फाकिर तुम करो, जिससे बात करनी है तुम करो, मुझे छोड़ के जा रहे हो तुम चले जाओ, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक करके मेरे फैसले मत लो। तुम मुझसे दूर रहो ना, मेरे लिए यही बेहतर होगा। हेलो, अमजद आवाज नहीं आ, अरे अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, आवाज नहीं आ रही। मैं भाई आपकी चाय ठंडी हो रही है, आके चाय पी लें। अरे पीता हूँ एक मिनट, बस रख दो उधर, मैं लेता हूँ अभी आके। अच्छा हाँ हेलो अमजद, क्या कह रहे हो तुम? चाय जहीर भाई, जहीर भाई, अम्मा अम्मा हबीब आयशा भाभी, क्या तुम लोग क्या कर रहे थे? बकवास बंद करो अपनी, कारखाने में आग लग गई और तुम्हें पता नहीं लगा? मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप तुम लोगों से खुद बात करेंगे। फोन रखो और ठीक करो वहां पे सबको जल्दी। जहीर भाई को अभी यहां इस वक्त होना चाहिए था। भाई साहब को फोन कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रहा है मेरा। आग बुझ गई? हाँ बुझ गई। नुकसान तो नहीं हुआ ज्यादा? पता चला कितना नुकसान हुआ है? भाई साहब फोन नहीं उठा रहे, अभी नहीं पता लग सकता, पानी और धुआं भरा हुआ है कारखाने में। ओ नहीं हुआ, लेकिन ये लगी कैसे आग? ये किसी को पता ही नहीं है कि आग कैसे लगी। खैर कि मैं पता लगा लूंगा। यार अभी तुम्हें वहां होना चाहिए था, इतना बड़ा शिपमेंट आ रहा था, सीरियस मैटर है यार। आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये मेरी वजह से हुआ? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लापरवाही तो हुई है ना, अभी तुम वहां होते तो शायद आग न लगती, इतना बड़ा शिपमेंट आ रहा था, गोदाम में रहना जरूरी था, नहीं जा सकते थे तू?
मुझे बोल देते, मैं चला जाता। अब तुम मुझे बताओगे कि ये काम कैसे चलता है? हाँ देखो, तुम मेरी बात को गलत ले रहे हो, ऐसा नहीं। तुम बात गलत कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पे आए हुए कितने दिन हुए? तुम मुझे बताओगे कि काम कैसे चलता है? मैं कर लूंगा मैनेज, मुझे मत बताओ। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बात किस तरह से कर रहे हो? मैं भी इस कारोबार का हिस्सा हूँ यार। आप इस कारोबार का हिस्सा जबरदस्ती बने हैं। सर, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बहनोई हूँ और ये कारोबार जहीर भाई का कारोबार है। तुम भी यहाँ पर मुलाजिम हो जिस तरह से मैं हूँ। अगर कोई लापरवाही करोगे, कुछ गलत करोगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी गलत। आप मुझे बिल्कुल नहीं बताएंगे, ना मैं आपको जवाब दें। आप अपने काम से काम रखेंगे और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर काम करूँ। समझ में आ रही है आपके पास? जो मर्जी आकर। भाई साहब फोन उठाए। एरी, बात सुनो यार, मसला क्या है तुम्हारा? तुम हो मेरा मसला। क्या कर दिया मैंने ऐसा? तुम्हारी तो आदत बन गई है बिला वजह मुझे गलत साबित करने की। एक तो तुम्हारी भलाई चारों ऊपर से तुम्हारे ड्रामे। अगर तुम ना कभी भी नहीं समझोगे, मुझे तुम्हारी भलाई की कोई जरूरत नहीं है। अपनी भलाई ना तुम अपने पास रखो, और कभी ना तुम बैठ के सोचना कि तुम कर क्या रहे हो। क्या गलत करूं मैं, मुझे जरा समझाओ तुम आज ये बात। फिर तुम्हारा बिला वजह का बन गया मेरी हमेशा इंसल्ट करने का। तो क्या हो गया, क्यों कॉल कर रही बार बार? हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। क्या हुआ, किसकी तबीयत? बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बड़े अबू की तबीयत खराब हो गई है? तुम हॉस्पिटल का पता लगाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो पहली बार थोड़ी हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो रोज का ही है उनका। अगर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम उनके बेटे हो, अगर उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो? कोई जरूरत वरूरत नहीं पड़ी उनको, मेरी समझ आ रही है आपको? बहुत दोगे उनके पास वहाँ पे। बड़ी घर चलो सीधा यहाँ से। खुद कर सो तुम, अगर तुम्हें नहीं जाना ना तो मत जाओ, मैं जा रही हूँ। किधर? अबे किधर जा रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हॉस्पिटल वहाँ पे, गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी है। चलो उधर उधर चलो, अजीब। और अपना मूड ठीक करो। माँ बिल्कुल परेशान ना हो, फराज हॉस्पिटल में ही है, हमारी अभी बात हुई है, कह रहे थे भाई की तबीयत बेहतर हो रही है। अम्मा अम्मा क्या हुआ भाई को? मैं तो सुनते फौरन चली आई, अब किसी तबीयत है? अभी भी आने की क्या जरूरत थी बहन, आराम से आ जाती जब भाई घर आते। मैं तुम्हारे जाना इस घर में नहीं पड़ी रहती जो मुझे फौरन से हर बात का पता चल जाए। अपने घर में होती हूँ, आने में टाइम लगता है। क्या मतलब इस बात का, हमारा यहाँ रहना चुभ रहा है तुम्हें? हाँ, क्योंकि तुम कुंवारी नहीं हो जो हक से इस घर में रह रही हो। शादीशुदा हो, अपने शौहर के साथ उसके घर में रहना चाहिए, पर तुम तो उसे भी उठा के यहाँ ले आई हो। बहुत आग लगी थी ना तुम्हें हमारे इस घर में रहने से। हमारी एक बात कान खोल के सुन लो, हिस्सा है हमारा इस घर में, उसी हक से रह रहे हो। आपा हिस्सा तो हमारा भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ आके हक जताने लग जाए। अम्मा अम्मा इसको चुप करा ले, पर हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। हाँ हाँ तो बोलो ना, मैं हूँ जवाब देने के लिए। अम्मा को क्यों ला रही हो बीच में? शर्म करो तुम दोनों। भाई अस्पताल में पड़ा हुआ है और तुम दोनों यहाँ बैठ के लड़ रही हो। अम्मा मैंने कोई लड़ाई शुरू नहीं की, मैं तो यहाँ सिर्फ भाई के लिए आई थी। हाँ हाँ इसका इल्जाम भी हम पर ही डाल दो, तुम जैसी बहन से तो अच्छा किसी दुश्मन को बहन बना ले, कम से कम दुख तो नहीं होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें बहन बनाने का, अल्लाह बचाए ऐसी बहन से जो सिर्फ अपने बारे में सोच। बस कर दो तुम दोनों, बस कर दो। हमारा कलेजा वैसे फटा चला जा रहा है तुम दोनों की बातें। अरे भाई के लिए दुआई कर लो तुम दोनों, जरा सोचो कितना प्यार करता है वो। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, खुदा ना खासा, अगर उसको कुछ हो गया तो उसी ने सबको संभाला भाई, तनू का क्या होगा। अम्मा ऐसी बातें मत करे, कुछ नहीं होगा भाई को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप परेशान मत हो। कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है।